हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल राजकुमार टेक्निकल पॉइंट स्टडी पर। जैसा कि फ्रेंड आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड जैसा कि फ्रेंड हम वेल्डिंग से 370 प्लस वन लाइनर को क्वेश्चन को देख रहे हैं। फ्रेंड जैसा कि फ्रेंड वेल्डिंग का ये पार्ट टू वीडियो है, तो फ्रेंड अगर आप पार्ट वन वीडियो को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड आपको अगर पीडीएफ वन लाइनर क्वेश्चन का वेल्डिंग का डाउनलोड करना है तो फ्रेंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और सारी वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड बात करें हम नेक्स्ट की, यानी क्वेश्चन जो फ्रेंड हम पार्ट वन वीडियो में देखे थे, यानी कि 50 क्वेश्चन को देखे थे वन लाइनर। तो फ्रेंड आज हम उससे आगे देखते हैं, यानी कि 51 क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड कल फ्रेंड हम आर्क ब्लो तक देखे थे, तो फ्रेंड आगे करते हैं, यानी नेक्स्ट की अलग अलग पदार्थ अथवा विभिन्न मोटाई के पदार्थ का बट वेल्डिंग किया जाता है। तो फ्रेंड जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उनकी मोटाई जो होती है उनको बट वेल्डिंग करने के लिए फ्रेंड हम दाब तथा धारा के नियंत्रित, यानी कि जो दाब यानी प्रेशर द्वारा धारा को नियंत्रित करके करते हैं। फ्रेंड बात करें हम नेक्स्ट की, यानी कि चुंबकीय आर्क ब्लो की। तो फ्रेंड जो हमारी चुंबकीय आर्क ब्लो होती है या डीसी आर्क वेल्डिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण स्पेल्टर के बनने की जो क्रिया होती है इसके कारण फ्रेंड चुंबकीय आर्क ब्लो होता है। तो फ्रेंड बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की किस वेल्डिंग प्रक्रिया में यानी प्रक्रम में अंगों को वेल्डिंग तापमान तक गर्म किया जाता है तथा तब धातुओं को एक साथ जोड़ने के लिए सिरों पर बल लगाया जाता है। तो फ्रेंड जो धातु को जोड़ने के लिए एक सिरे पर बल लगाया जाता है तो फ्रेंड उसमें क्या होता है, गैस वेल्डिंग में फ्रेंड धातु के एक सिरे पर बल लगाया जाता है। फ्रेंड बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि नेक्स्ट की यानी कि उदासीन ज्वाला यानी नेचुरल फ्लेम में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात होता है। जो फ्रेंड जो हमारा उदासीन ज्वाला और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का जो अनुपात होता है वह 1:1 होता है, यानी कि जो उदासीन ज्वाला होती है या भी और हमारी एसिटिलीन ज्वाला दोनों बराबर अनुपात में मिला होता है। तो बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन है जो फ्रेंड हमारा गैस वेल्डिंग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली ज्वाला। तो फ्रेंड जो हमारी गैस वेल्डिंग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली ज्वाला होती है वह हमारी होती है नेचुरल फ्लेम जो होती है फ्रेंड, या हमारी सबसे अधिक वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली ज्वाला होती है। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि ऑक्सीकरण ज्वाला इस धातु को वेल्ड करने में प्रयोग किया जाता है। जो फ्रेंड हमारी ऑक्सीकरण ज्वाला होती है इसका प्रयोग हम करते हैं तांबा तथा पीतल की धातुओं पर वेल्डिंग करने के लिए हम ऑक्सीकरण ज्वाला का प्रयोग करते हैं। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि जो हमारा स्पेल्टर होता है फ्रेंड, जो स्पेल्टर होता है हमारा जस्ता का होता है। तो फ्रेंड बात करें हम नेक्स्ट की, यानी कि उदासीन ज्वाला इस धातु के वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा उदासीन ज्वाला होती है यह हमारी इस्पात यानी स्टील के लिए प्रयोग की जाती है। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि सामान्य प्रयोग वाले यानी ब्रेजिंग मेटल तथा एलॉय है। तो फ्रेंड जो हमारी ब्रेजिंग और इसमें जो एलॉय होते हैं या हमारे तांबा कॉपर एलॉय सिल्वर एलॉय इनके सभी एलॉय होते हैं। तो फ्रेंड बात करें हम नेक्स्ट की, यानी कि ब्रेजन यानी ब्रेजिंग वेल्डिंग में फिलर धातु का गलनांक बिंदु होता है। तो फ्रेंड जो हमारी फिलर ब्रेजिंग वेल्डिंग होती है इसमें फिलर धातु का जो गलनांक होता है हमारा 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्रेंड बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि एक अच्छा सोल्डर जो बनाने के लिए यह सावधानियां बरतनी चाहिए। तो फ्रेंड जो अच्छी सोल्डरिंग करने के लिए हमें जोड़ जो करते हैं फ्रेंड उस क्षेत्र को साफ तथा यानी कि हमें
जो जोड़ सोल्डरिंग करते हैं फ्रेंड, उस जोड़ की जगह पे हमें साफ करना चाहिए। इससे क्या होता है फ्रेंड, जो हमारा जोड़ होता है वह मजबूत होता है फ्रेंड। बात करें हम नेक्स्ट की, यानी कि मिग वेल्डिंग में धातु को इस रूप में स्थानांतरित किया जाता है। तो फ्रेंड जो हमारी मिग वेल्डिंग होती है, धातु के महीन फुहारा जो होता है इस पे स्थानांतरित यानी नियंत्रित किया जाता है फ्रेंड। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि 0.1 मिलीमीटर मोटी दो स्टेनलेस स्टील की जो होती है फ्रेंड, इनको जोड़ना जाना है। तो फ्रेंड जो हमारी 0.1 मिलीमीटर स्टेनलेस स्टील होती है फ्रेंड, इनको जोड़ने के लिए कौन सा प्रक्रिया सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो फ्रेंड 0.1 मिलीमीटर मोटी स्टेनलेस स्टील को जोड़ने के लिए फ्रेंड हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि आर्क वेल्डिंग में अत्यधिक तेज गति का परिमाण होता है। तो फ्रेंड जो आर्क वेल्डिंग होती है इसमें अत्यधिक परिमाण जो होता है बहुत छोटा, यानी कि जो हमारा बेड होता है कमज़ोर, ये बेड बोले तो फ्रेंड जो वेल्डिंग करते हैं हम उसके ऊपर जो उभार सा बनता है उसको हम बेड बोलते हैं फ्रेंड। इसको कमज़ोर वेल्ड तथा इलेक्ट्रोड का व्यर्थ हो जाना फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि हमारा जो वेल्ड होता है यह अभी कमज़ोर बनता है, और इसमें क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है इसमें व्यर्थ भी जाता है, यानी कि खपत भी ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड बात करें हम नेक्स्ट की, यानी कि ब्रेजिंग में सामान्यतः फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा ब्रेजिंग होता है इसमें फ्लक्स के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड हम सुहागा का प्रयोग करते हैं, यानी कि बोरेक्स का प्रयोग करते हैं हम ब्रेजिंग में फ्लक्स के रूप में। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग के लाभ है। तो फ्रेंड जो हमारा इलेक्ट्रोड है यह हमारा उच्च वेल्डिंग गति का लाभ होता है। तो फ्रेंड बात करें हम नेक्स्ट की, यानी कि वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड खर्च हो जाता है। तो फ्रेंड जो हमारी वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड खर्च होता है यह आर्क के रूप में खर्च होता है। बात करें नेक्स्ट की, यानी कि थर्मिट वेल्डिंग में तथा यानी कि तथा कोई इस्पात अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो फ्रेंड जो हमारी थर्मिट वेल्डिंग होती है आयरन ऑक्साइड को इस्पात के रूप में जो मिलाते हैं फ्रेंड, उसको हम 1:3 में मिलाते हैं, यानी कि हमारा जो आयरन ऑक्साइड थर्मिट वेल्डिंग में इस्पात के रूप में मिलाते हैं फ्रेंड, वह 1:3 में मिलाते हैं। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि लेजर वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग की बात करें, लेजर वेल्डिंग का सबसे अधिक व्यापक अनुप्रयोग होता है। तो फ्रेंड जो हमारा सबसे अधिक लेजर वेल्डिंग जो प्रयोग होती है फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में। तो फ्रेंड जो हमारी लेजर वेल्डिंग होती है इनका हम अत्यधिक प्रयोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं? तो फ्रेंड वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की अधिक उद्योग हो, यानी कि जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई जाती है वहाँ पे फ्रेंड हम लेजर वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि TIG वेल्डिंग यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। तो फ्रेंड जो हमारी TIG वेल्डिंग होती है इसमें हम एल्युमिनियम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हमारी टंगस्टन वेल्डिंग होती है फ्रेंड, यानी कि एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए हमें सबसे उपयुक्त की बात करें तो हमारी टंगस्टन वेल्डिंग होती है। यानी कि बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि सोल्डर जोड़ बहुत कम तापमान यानी 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगाया जाता है। सोल्डर को किस टांका प्रकार यानी जो टांका होता है किस प्रकार का टांका होता है? तो फ्रेंड जो हमारा 200 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगाया जाता है वह हमारा नर्म टांका होता है। जैसा कि फ्रेंड इससे पहले वाली वीडियो में हम बता भी चुके हैं कि हमारा जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे यानी कि कम रहेगा जो हमारा तापमान, तो वहाँ पे हमारा नर्म शोल्डर यानी कि नर्म टाका जो शोल्डरिंग करना होता है तो कहलाता है फ्रेंड, यानी कि नर्म शोल्डरिंग कहलाता है। और अगर हमारा फ्रेंड 400 यानी 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अलग यानी कि जो हमारा 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इससे अधिक अगर टेम्परेचर होगा शोल्डरिंग में तो हमारा कठोर शोल्डर यानी सॉलिड सोल्डरिंग कहलाएगा। तो फ्रेंड बात करें हम नेक्स्ट की, यानी कि सबसे अधिक
प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में टिन तथा लेड का अनुपात होता है। तो फ्रेंड सबसे अधिक जो प्रयोग होता है हमारा सोल्डर, उसमें टिन और लेड का अनुपात जो होता है 63:37 होता है, जिसमें कि फ्रेंड हमारा टिन जो होता है वह हमारा 63 और लेड जो होता है 37 इतने के अनुपात में मिलाया जाता है। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि सोल्डर का गलनांक परस्पर जोड़े जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होना चाहिए। तो फ्रेंड जो हमारा सोल्डर का गलनांक जो होता है जोड़े जाने वाली धातुओं के गलनांक से 60°C तक कम होना चाहिए। तो फ्रेंड बात करें हम नेक्स्ट की, यानी कि सोल्डर करने में क्या होता है। तो फ्रेंड जो हमारी सोल्डरिंग होती है इसमें करने में क्या होता है, हमें फ्लक्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फ्रेंड सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें हमें फ्लक्स की आवश्यकता होती है, जिससे कि क्या होता है फ्रेंड जो हमारी सरफेस होती है उस पर हमारी जो बाहरी वातावरण जो पड़ता है फ्रेंड उससे भी बचाव करता है, साथ में ही जो हमारे सोल्डर में जो सोल्डर होता है फ्रेंड वह भी आसानी से फैलता है, जिसके कारण सोल्डरिंग करने में आसानी होती है। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि ब्रेजिंग प्रक्रिया का फिलर मेटल क्या होता है। तो फ्रेंड जो हमारी ब्रेजिंग प्रक्रिया में फिलर मेटल होता है यह हमारा स्पेल्टर होता है, स्पेल्टर का फिलर मेटल होता है। तो फ्रेंड बात करें नेक्स्ट की, यानी कि एक अच्छे स्पेल्टर में कौन सा गुण होना चाहिए। तो फ्रेंड जो हमारा एक अच्छा स्पेल्टर होता है उसमें क्या होना चाहिए कि बेस मेटल की सतह पर आसानी से फैले। तो फ्रेंड जैसा कि अभी हम बताए भी हैं जो हमारा फ्लक्स होता है क्या होता है कि फ्रेंड सतह पे अगर फ्लक्स लगाने पे क्या होता है जो हमारा स्पेल्टर होता है यानी कि जो हमारा सोल्डर होता है वह आसानी से क्या होता है कि फैलता है जो फ्लक्स लगाने पे। तो वही फ्रेंड हमारा ये भी है, हमारा स्पेल्टर जो होता है इसको लगाने पर क्या होता है कि फ्रेंड आसानी से जो हमारा बेस मेटल की सतह पर जो आसानी से हमारी स्पेल्टर जो होती है या फैलती है। तो फ्रेंड बात करें नेक्स्ट की, यानी कि ब्रेजिंग जोड़ सोल्डर जोड़ की तुलना में होता है। तो फ्रेंड जो हमारी ब्रेजिंग जोड़ होता है या सोल्डरिंग की तुलना में अधिक मजबूत होता है। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि किसी भी धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करने पर दबाव डालकर विरूपण करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा धातु होता है उसको प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करने के बाद उस पर दबाव डालने पर जो विरूपण होता है उसको हम बोलते हैं, उस प्रक्रिया को फोर्जिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड बात करें हम नेक्स्ट की, यानी कि कौन सा जोड़ बनाने के लिए कारखंडों के सिरों पर ऑफसेटिंग द्वारा फैलाकर टेपर कर दिया जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा कारखंड के सिरों पर ऑफसेटिंग द्वारा फैलाकर जो हमारा लैब जोड़ होता है इसके द्वारा फैलाकर टेपर कर दिया जाता है। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि अलौ धातुएं किस अवस्था में फोर्जिंग नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड जो हमारी अलौ धातुएं होती हैं इनको हम गर्म अवस्था में फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि मोड़ने के लिए कौन सी विधियां उपयुक्त नहीं हैं। तो मोड़ने के लिए फ्रेंड हमारी एनविल पर कोल्ड चीजल से प्रहार करके मोड़ना क्या होता है, संभव नहीं होता है। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि फोर्जिंग में ईंधन को दहन करने के लिए आवश्यक हवा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड आवश्यक ईंधन जो हमारी फोर्जिंग में ईंधन में हवा भेजने के लिए हम ब्लोअर का प्रयोग करते हैं। बात करें नेक्स्ट की, यानी किसी तापक्रम पर लोहा पिघलने लगता है। तो फ्रेंड जो हमारा तापक्रम पर लोहा पिघलता है या हमारा 1300 से 1350 °C पर क्या होता है फ्रेंड हमारा जो लोहा होता है या पिघलने लगता है। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के द्वारा कास्टिंग करके बनाया जाता है। तो फ्रेंड जो कास्ट आयरन व कास्ट स्टील से जो कास्टिंग करके बनाया जाता है वह हमारा स्विज प्लग जो होता है या हमारा कास्ट आयरन व कास्ट स्टील को फोर्ज करके यानी कि कास्टिंग करके बनाया जाता है। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि फोर्ज के अंदर कोल को जलाने के लिए आवश्यक हवा एक विशेष पार्ट द्वारा भेजी जाती है जिसे ठंडा करने की व्यवस्था फोर्ज में
ही होती है उसे कहते हैं। तो फ्रेंड उसे हम ट्रूवल्स कहते हैं। बात करें फ्रेंड नेक्स्ट की, यानी कि जाप की सतह को वक्रता प्रदान करने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जो जाप होता है उसकी सतह को वक्रता प्रदान करने के लिए हम क्रॉस पिन का प्रयोग करते हैं, यानी क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि फोर्जिंग करने के लिए स्वेज ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। उसकी धातु किस प्रकार की होती है? तो फ्रेंड जो हमारी फोर्जिंग करने के लिए जो हमारा स्वेज ब्लॉक होता है यह हमारा मैलिएबल यानी कि मैलिएबल कास्ट आयरन का बना हुआ होता है हमारा स्वेज ब्लॉक। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि कौन सी वाइस का प्रयोग फोर्जिंग शॉप में किया जाता है? तो जो हमारा लेग वाइस होता है इसका प्रयोग हम फोर्जिंग शॉप में प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड बात करें हम नेक्स्ट की, यानी कि ड्राइंग के विपरीत प्रक्रिया है। तो हमारी जो ड्राइंग होती है या पंचिंग की विपरीत प्रक्रिया है। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि फोर्जिंग प्रक्रिया में धातु का आयरन नहीं बदलता है, मात्र बल द्वारा उसका आकार बदला जाता है। उस समय धातु की अवस्था किस प्रकार रहती है? तो फ्रेंड जो हमारी फोर्जिंग करते समय क्या होता है, धातु का जो आकार होता है इसको बदला नहीं जाता है, मात्र बल डालकर यानी कि प्रेशर के द्वारा उसके आकार में परिवर्तन किया जाता है, तो हमारा प्लास्टिसिटी कहलाता है। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि जाप की लंबाई कम करके मोटाई बढ़ाने की फोर्जिंग प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारी जाप की जो लंबाई होती है मोटाई बढ़ाने की फोर्जिंग प्रक्रिया को हम ऑफसेटिंग के नाम से जानते हैं। जैसा कि फ्रेंड जितने भी हम या क्वेश्चन आपको ऑनलाइनर प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड, या हमारे किसी ना किसी एग्जाम में, मतलब कि जो हमारे डीआरडीओ हैं या हमारे डीआरडीओ में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड बात करें हम नेक्स्ट की, यानी कि किसी गुण के कारण कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता। तो हमारी जो ब्रिटलनेस होती है यानी कि भंगुरता जो होती है इसको हम यानी कि फोर्ज नहीं कर सकते, यानी फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं। बात करें हम नेक्स्ट की, यानी कि लो एलाई स्टील की फोर्जिंग के लिए इनका तापक्रम किस प्रकार होना चाहिए? तो फ्रेंड जो हमारा लो एलाई स्टील होता है इनको फोर्जिंग करने के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि धातुएं प्रकृति में किस रूप में मिलती हैं? तो फ्रेंड जो हमारी धातुएं होती हैं या हमारी प्रकृति में खनिज के रूप में मिलती हैं। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि धातुओं को जोड़ने की महत्वपूर्ण विधि कौन कौन सी है? तो फ्रेंड जो हमारी धातुओं को जोड़ने की महत्वपूर्ण विधि होती है या हमारे रिविट के द्वारा व पंच से जोड़ना व टाँके से यानी कि वेल्डिंग वगैरह, इससे फ्रेंड हमारी क्या होती है धातुओं को हम जोड़ सकते हैं। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि शोल्डर का गलनांक होता है। तो फ्रेंड जो हमारा शोल्डर होता है इसका गलनांक 300 होता है, यानी कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ज़्यादातर फ्रेंड आपको 450 मिलेगा, जैसा कि इसको हमने कई बार बता चुका है कि मतलब कि जो हमारी शोल्डर होती है इसका गलनांक 450 तक होता है। तो फ्रेंड पेपर के अकॉर्डिंग जितना ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा तापमान होगा यानी गलनांक का शोल्डर का होगा उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को टिक करेंगे। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी कि जोड़ने वाली धातुओं के आधार पर वेल्डिंग कौन कौन से प्रकार की होती है? तो फ्रेंड जो हमारी जोड़ने जाने वाली वस्तुएं होती हैं इनके आधार पर वेल्डिंग हमारी ऑटोजीनियस वेल्डिंग एवं हेटरोजीनियस वेल्डिंग होती है। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी फोर्जिंग वेल्डिंग में प्रक्रम होता है, यानी कि फोल्डिंग वेल्डिंग में जो ताप क्रम होता है वह हमारा 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कह सकते हैं फ्रेंड हमारे जो फोर्जिंग करने के लिए हम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं उसमें 1200 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। बात करें फ्रेंड हम नेक्स्ट की, यानी एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र। तो फ्रेंड जो हमारा एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है वह हमारा होता है C2H2। तो फ्रेंड बात करें हम नेक्स्ट की, यानी कि वेल्डिंग में बिजली का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो फ्रेंड जो हमारा वेल्डिंग में बिजली का शुरू किया गया फ्रेंड 19वीं शताब्दी के अंतर्गत बिजली
के द्वारा वेल्डिंग शुरू किया गया था। तो फ्रेंड अगर आप यह हमारी 370 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को आप फ्रेंड सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो फ्रेंड क्या होता है कि फ्रेंड आपको पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड वीडियो लंबी होगी तो फ्रेंड मिलते हैं तब तक फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड कहिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड जैसा कि अभी हम बता भी चुके हैं, अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से वीडियो की सारी टेलीग्राम चैनल से वीडियो यानी कि सारी वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड जैसा कि फ्रेंड अगर आपको आईटीआई फिटर्स के रिलेटिव किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।